इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट अब क्या हमें स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो नेक्स्ट पेपर होगा फॉर जेई मीन्स दैट इज गोइंग टू बी योर इन अप्रैल. सो बेटा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड. सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा गया इन योर जैन अटेम्प्ट बेसिकली. सो इफ़ आई टॉक अबाउट बेसिकली योर कि आपके क्या कट ऑफ रहे होंगे, सो अगर मैं उसको समझती हूँ अच्छे से, सो आई नो कि अगर बच्चों ने, अगर आप लोग लेस देन 100 वाले हैं, इफ़ यू आर लेस देन 100, सो प्लीज़ फोकस ऑन योर अप्रैल अटेम्प्ट. आपको जेई मीन्स दोबारा देना ही होगा. सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट बी रेडी लेस देन 100 वाले. आई नो ये बहुत सीधी बात है बट यू हैव टू गिव योर अप्रैल जेई मीन्स अगेन. ओके सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट. आप उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, देर इज़ नो ड्रॉप इवन इन दैट अप्रैल अटेम्प्ट. तो आप उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड इवन यू कैन सिक्योर अ सीट इन वेरी गुड कॉलेजेस और इवन इन IIT. सो प्लीज़ जिसके भी लेस देन 100 है गो फॉर जेई मीन्स अप्रैल अटेम्प्ट. एंड वन मोर थिंग, फोकस ऑन योर 12th बोर्ड एज वेल. डोंट लीव योर बोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ जेई मीन्स. अब जिनका भी स्कोर इज गोइंग टू बी लाई बिटवीन 100 से 130, फॉर देम आई वुड से कि हाँ आप लोगों को भी जेई मीन्स अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस रखना है. अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस रखना चाहिए आपको भी. प्लस आप लोग साथ साथ हल्का फुल्का जेई एडवांस भी पढ़ सकते हैं. चांसेस हैं कि बेस्ट कॉलेजेस तो नहीं बट हाँ जो लेफ्ट ओवर कॉलेजेस होते हैं बेटा वो आपको मिलेंगे बेसिकली. ओके ना, जो भी लेफ्ट ओवर कॉलेजेस होते हैं वो आपको मिल सकते हैं इन योर दिस मच मार्क्स. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जेई मीन्स अप्रैल अटेम्प्ट आपको भी ध्यान देना ही देना है उसके लिए. प्लस आप थोड़ा बहुत जेई एडवांस का पढ़ लीजिए. आप लोग ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे दैट इज़ फॉर श्योर. आपको ज़्यादा तैयारी इस पे ही रखनी है. योर मेन फोकस शुड बी ऑन दिस ओनली. ओके प्लस यू हैव टू फोकस ऑन योर 12th बोर्ड. अब यहीं पर अब जिसके भी मार्क्स आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 130 एंड इट्स मूविंग टूवर्ड्स योर 170, I would say you people are moreover, अगर आपके जेई मेन्स में इतने नंबर आए तो कुछ ना कुछ अच्छे कॉलेजेस आपको थोड़े बेटर कॉलेजेस मिल जाएंगे. तो आप लोग ध्यान रखेंगे जेई मेन्स अ लिटिल बिट. आई वुड नॉट से कि पूरा जेई मेन्स को देना, नहीं, आप लोग हाफ जेई मेन्स एंड आप लोग हाफ जेई एडवांस में ध्यान रखेंगे. ठीक है ना, हाफ जेई मेन्स एंड हाफ जेई एडवांस प्लस 12th बोर्ड तो देखो है ही है. वी कॉन्ट लीव इट फॉर देम फॉर दिस अटेम्प्ट. ना मैं यहाँ पे परसेंटेज बताना भूल गई. आप लोग अपना मेन ध्यान दैट इज 3/4 जेई मेन्स पे रखेंगे. सिर्फ आप 1/4 अपना एडवांस पे रखेंगे और ये वाला सिर्फ जेई मेन्स पे ही ध्यान देंगे. इनका हाफ ऑफ जाएगा. एंड नाउ हु इज गोइंग टू स्कोर 170 to 200, आई वुड से जेई मेन्स आपके आपके पास बहुत अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जेई मेन्स के बेस पे. सो आप लोग बस 1/4 ध्यान रखना जेई मेन्स पे. मेन ध्यान आपका जाएगा जेई एडवांस के लिए और 12th तो आप निकाल लोगे. सो 12th बोर्ड के लिए आपको आई थिंक पेपर से 2 या 3 दिन पहले सिर्फ फॉर्मैट देख लेना बेसिकली. यू जस्ट हैव टू लुक एट द फॉर्मैट ऑफ बोर्ड्स एग्जाम कि आपको कैसे लिखना है, क्या क्या करना है. तो जस्ट दैट मच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दैट इज 2 or 3 days एंड फॉर्मैट बेसिकली. सो ऐसे जो बच्चे हैं जो इस वाले कैटेगरी में लाई करेंगे, प्लीज़ जेई मीन्स 1/4 परसेंटेज ध्यान रहेगा एंड जेई एडवांस में आप अपना 3/4 परसेंट ध्यान रखोगे. अब वो वाले बच्चों की बात करते हैं हु इज़ गोइंग टू स्कोर मोर देन 200 or 300 के बीच में लाई करेंगे. जस्ट फोकस ऑन योर जेई एडवांस, दैट्स इट. जस्ट फोकस ऑन जेई एडवांस. अच्छे कॉलेजेस आपको जेई मेन्स के बलबूते पे ही मिल जाएंगे बट इफ़ यू वॉन्ट IIT, सो प्लीज़ गो फॉर जेई एडवांस. आपको फॉर श्योर अच्छे IITs के अंदर भी एडमिशन मिलेगा बिकॉज येस आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इतने मार्क्स वाले बच्चों को वी कॉल देम एज एक्स्ट्राऑर्डनरी. दे आर वेरी गुड मार्क्स. अगर आप इतना स्कोर कर पाएंगे सो प्लीज़ बिलीव मी, आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड जेई एडवांस पे 100% फोकस रखो. यू आर गोइंग टू एंड अप इन गेटिंग अ वेरी गुड कॉलेजेस इन फॉर योर ग्रेजुएशंस. ओके सो दिस ऑल वाज द बेसिकली स्ट्रैटेजी जो आपको माइंड में रखनी है व्हाइल यू आर गोइंग फर्दर. और अब आप सोचेंगे कि हमें क्या पता इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, बिकॉज
वेन आई वॉज डिस्कसिंग द पेपर्स तो सारे क्वेश्चन मेमरी बेस याद नहीं रहते हैं. सो आई वॉज एबल टू डिस्कस क्वेश्चन विच आर फ्रॉम 15 to 20. एंड आप कहेंगे मैम किसी में इंटरवल चेंज हो गया होगा, किसी में कुछ चेंज हो गया होगा, सो माइट बी जो आंसर मेरा रहा होगा वो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहा होगा. क्या पता क्वेश्चन में हल्के से चेंजेस के कारण क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाए, उसमें क्या करें. उसके लिए यू जस्ट हैव टू बी वेट. आपकी जो प्रिडिक्टेड आंसर्स की है, जो आपकी प्रिडिक्टेड आंसर की है वो बहुत जल्दी आ जाएगी. चांसेस है कि वो आज ही आ जाए या फिर 2nd February से लेके बस 5 या 4th February से बस 4th February तक वेट करो. इसके बीच में आपके पास प्रिडिक्टेड आंसर की आ जाएगी. जैसे ही आपके पास ये आंसर की आएगी, जो क्वेश्चन NTA ने गलत कर दिए उसके लिए आपको बोनस मिल जाएगा. वो आपके बोनस नंबर्स ऑब्वियसली हो ही जाएंगे. और जो आपको लगेगा NTA ने ही गलत आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का, इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता, इसका ये वाला आंसर होगा, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू इन सर्चिंग फॉर दैट. फॉर मैथ्स आई एम सेइंग, ओके. सो उसके लिए हम लोग अपना क्लेम कर सकते हैं. उस क्लेम के बेस पे भी हमें कुछ ना कुछ बोनसेस मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा. सो यू विल से कि हाँ, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि आपके प्रेडिक्टेड मार्क्स कितने बनेंगे, बेसिकली आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं. और जैसे ही आपको पता है कि ठीक है यू आर गोइंग टू लाई इन समवेयर 180, लेट्स सपोज कि आपके 180 मार्क्स है, तो आपको पता है कि आपको हाँ कि आपको JEE मेंस पे कितना फोकस रखना है और आपको JEE एडवांस पे कितना फोकस रखना है. सो देन यू विल बी क्लियर कि हाँ मुझे इतना फोकस रखना है, सो आई विल बी श्योरली एबल टू क्रैक अ गुड कॉलेजेस. देखो 12th बोर्ड पे ऑब्वियसली फोकस करना है, बट हाँ जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ऑलरेडी ला रहे हैं, आई वुड जस्ट से कि आपको JEE मेंस और JEE एडवांस में अगर अच्छे आने वाले हैं, सो प्लीज़ 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 जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मैट, बिकॉज बेसिकली कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो आपने JEE मेंस के लिए या एडवांस के लिए पढ़ा. देर इज़ नथिंग न्यू कॉन्सेप्ट, इवन कम ही है उससे कॉन्सेप्ट आपके 12th बोर्ड्स के लिए. सो दैट मीन्स यू कैन जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मैट. फॉर्मैट आ गया कि कैसे लिखना है, बिकॉज स्टेप मार्किंग्स होती है बेसिकली. एक बार फॉर्मैट आ गया तो बस काम अपना बन जाएगा. यू कैन सिंपली फोकस ऑन योर मेन पेपर, दैट इज JEE. ओके, सो यहाँ से आपके पास आपके मार्क्स निकल जाएंगे. एंड जो आपके पास फाइनल आपकी आंसर की है वो कब आएगी, आपकी फाइनल आंसर की आपकी 11th February से लेके 12th February के मॉर्निंग तक आ सकती है. दैट मीन्स 11th February की मॉर्निंग से 12th February की मॉर्निंग तक आपके पास आ सकता है. एंड 12th February आपके पास आपका एक्चुअल जो आपका रिजल्ट है वो आपके पास आ जाएगा. सो येस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी आपके पास आपका रिजल्ट होगा. देन आई वुड नॉट से कि अभी आप टाइम वेस्ट करो, अभी टाइम को यूटिलाइज करो. एंड प्लीज़ अपने स्ट्रैटेजीज, जो आपके मार्क्स बन रहे हैं आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके किस अप्रॉक्सीमेट आपके मार्क्स क्या होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ अपना वर्क ऑन करना शुरू कर दो. डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस एंड टाइम इज़ वेरी प्रीशियस नाउडेज फॉर यू पीपल, बिकॉज यू नो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, द क्रीम इज़ वेरी हाई. सो प्लीज़ जस्ट डू योर बेस्ट ताकि ड्रॉप ना आए. एंड बिलीव मी, देर इज़ नो नीड टू टेक अ ड्रॉप इफ़ you are not able to crack any good colleges. कोई भी एक average college से भी अगर आप करते हैं अपनी graduation, difference होगा, obviously difference पड़ेगा, but yes, believe me, you will still be able, बहुत लंबी life है, you will still be able to do whatever you want to achieve, you will able to achieve whatever goals you have. So please, अगर average colleges भी मिले so don't get demotivated, suicide करने की कोई ज़रूरत नहीं है, not get into depression or something. Just focus on your studies and don't take a drop. Believe me, don't take a drop. Okay, so this all was for Kamnash Kaka discuss kiya. So we have discussed about your marks, jo bahut important thi. Then we have discussed about your predicted answer ki. Then we have discussed about your also bonus numbers. Then we have discussed about your claimed numbers. Then we have discussed about your final answer key, and then we have also discussed about your final result. Okay, so this all things I have discussed today, and please drop mat lijiyega. Yes, we have discussed about drop as well, that no drop should be taken, just focus on right now. I hope ki sab bachcho ko hi April attempt mein jo is baar acha nahi kar paaye, all the best for your April attempt, okay. और जो बच्चे JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, माई फुल सपोर्ट इज़ विद यू. एंड डोंट वरी, आई एम गोइंग टू मेक वेरियस काइंड ऑफ वीडियो. मैं वीडियोज़ बनाऊँगी आपकी JEE मेन्स के लिए भी, एंड मैं वीडियोज़ बनाऊँगी आपके JEE एडवांस के लिए भी.
सो जस्ट स्टे ट्यून ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। जितना आप मुझे बताएंगे आपको क्या चाहिए, विच चैप्टर यू वॉन्ट फर्स्ट, उतना मैं वीडियोज़ बनाऊंगी एंड मैं इन दोनों टॉपिक को साथ में लेके कवर करूंगी। व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन चैप्टर, वन वीडियो फॉर जेई मेंस, वन वीडियो फॉर जेई एडवांस एज वेल। सो प्लीज़ 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 आई नीड योर सपोर्ट, जस्ट गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर सच काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग ऑन माई चैनल। होप टू सी यू बैक अगेन एंड प्लीज़ इसी स्ट्रैटेजी से वर्क ऑन करना। डोंट फॉरगेट द वे दैट आई हैव टोल्ड यू पीपल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।